गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह सोमवार को महाविद्यालय के सभागार में मनाया गया। समापन समारोह के अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर सुष्मिता उपाध्याय ने सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सप्त दिवसीय शिविर में स्वयं सेविकाओं ने विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम किया। इसमें दीवार पेंटिंग, जन जागरूकता रैली, पोस्टर तथा सर्वेक्षण सम्मिलित थे। इसके अंतर्गत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली स्वयं सेविकाओं को प्राचार्या द्वारा पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, प्रत्या उपाध्याय, दयम्पति मिश्रा सहित महाविद्यालय की अन्य शिक्षिकाएं और स्वयं सेविकाएं उपस्थित रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर सुष्मिता उपाध्याय ने कहा। देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर निहित सेवा भावना जो बहुत पवित्र भावना है, इसकी जानकारी बच्चों को दी जाती है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, वो बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी अभिव्यक्ति वो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि है उनके लिए कि वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। और इस पूरे राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय शिविर में बच्चे मलिन बस्तियों में गए, लोगों से मिले, उन्हें तमाम तरह के से जागरूक किया, जैसे बेटियों के प्रति जागरूक किया। वास्तव में उस वह ऐसा क्षेत्र है मलिन बस्ती जहाँ इस तरह की जागरूकता बहुत कम पाई जाती है कि बेटियों में और बेटों में लोग अंतर करते हैं। बाकी स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक किया गया और इसी तरह से साक्षरता के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ साथ इस सात दिनों में बच्चों ने स्वच्छता अभियान के तहत बहुत सारी पेंटिंग्स दीवारों पे उकेरी, पोस्टर प्रतियोगिताएं हुई और बहुत सारी प्रतियोगिताएं जैसे मेहंदी प्रतियोगिता की गई और निबंध प्रतियोगिता की गई, उनमें बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त किया और उनको एक कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ कुछ कर गुजरने की जो एक क्षमता उनके अंदर अभी तक सुसुप्त अवस्था में थी वो जागृत हुई और बच्चे आगे अपने आप में मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। और ये एक बहुत अच्छा संदेश है, हम छात्राओं को जो भी संदेश देते हैं इसके तहत वो यही है कि आइए बच्चों जुड़िए और आप में एक सेवा भाव जो है उसको आप सिर्फ अपने घर तक सीमित ना रख करके इसको समाज के साथ जोड़ करके कीजिए और ये एक बहुत पवित्र भावना है। इसी के साथ आज समापन समारोह में हम लोग जो पुरस्कार वितरण का समारोह आयोजित किया गया उन बच्चों को प्रोत्साहित किए।